यूपी का मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीतल के उत्पाद देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वहीं अब यहाँ के पीतल के कारोबार को ग्रहण लग गया है। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि हमास और इसराइल युद्ध की वजह से पीतल एक्सपोर्ट पर बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से पीतल के कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अपनी पहचान पीतल नगरी के नाम से बनाई है। मुरादाबाद जनपद की कई एक्सपोर्ट कंपनी ऐसी हैं जो इसराइल को पीतल एक्सपोर्ट करती हैं। मुरादाबाद जनपद के जाने माने एक्सपोर्टर सतपाल का कहना है कि मुरादाबाद से 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए का कारोबार इसराइल में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इसराइल में जंग होने की वजह से पूरी तरीके से इसराइल से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। EPCS से जुड़े एक्सपोर्टर सतपाल का कहना है कि मुरादाबाद से डेकोरेटिव आइटम दुबई एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसमें दुबई एक्सपोर्ट किए जाने के बाद तमाम प्रोडक्ट मिडल ईस्ट दुबई में बैठे हुए होलसेलर वहाँ से सप्लाई करते थे। इस युद्ध का असर आने वाले वक्त में बहुत सीरियस दिख रहा है। इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर अटैक किया या हमास ने उनके ऊपर किया, हजारों आदमी मर चुके हैं। जो गिनती ये दे रहे हैं ये 5,000 के करीब है, मगर मरने वालों की संख्या हो सकता है कि 5-10,000 हो। इससे पूरे मिडिल ईस्ट का व्यापार ख़राब हुआ है। तेल की प्राइस बढ़ी है, स्टॉक मार्केट गिरी है, रेगुलर गिर रही है, और 68,000 से घट के 65,000 आ गई। लाखों करोड़ रुपया तो हमारे व्यापार में घट गया इंडिया के। पेट्रोल महंगा होने से सोने के ऊपर दबाव आया, सोना महंगा हो गया। सोना मेरा ख्याल है इस वक्त 62,000 के आसपास आ गया। तो ईरान की, मैंने पहले भी आपको बताया कि सैंक्शन लगी हुई है, और ईरान इस युद्ध में घी डाल रहा है। ईरान चाहे तो ये युद्ध ख़त्म हो सकता, अमेरिका चाहे तो युद्ध ख़त्म हो सकता है, मगर अगर ये युद्ध थोड़े दिन और चला तो वर्ल्ड वार होने का ख़तरा भी हो सकता है। क्योंकि टर्की ने भी कह दिया, ईरान ने भी कह दिया, पाकिस्तान को भी उकसा रहे हैं कि सारे मुस्लिम कंट्री एक साथ होके चारों तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक कर दें। जब वो सारे लोग आएंगे तो अमेरिका के 4 बड़े फाइटर वेसल वहाँ खड़े हैं समुंदर में, जिनके ऊपर करीब 200 जहाज़ हैं, तो ख़तरा तो चारों तरफ है जी। असर पड़ रहा है जी, असर तो इस वक्त इतना है कि कोई दुबई से ऑर्डर नहीं आ रहे, सऊदी से नहीं आ रहे। मैं सऊदी अभी होके आया हूँ, सऊदी से ऑर्डर नहीं मिल रहे, और ईरान का तो काम करीब करीब बंद ही है। सूडान भी इसमें, कई सारे कंट्री जो सराउंडिंग में है वो खाली फिलिस्तीन का ही झगड़ा नहीं है। मगर हमारे मोदी जी ने कमाल कर दिया, कल मानवीय सहायता के लिए उन्होंने बड़े जहाज भर के दवाइयाँ और खाने पीने और टेंट, आगे मौसम ख़राब आ रहा है, सर्दी का आएगा और 1 महीने बाद ठंड शुरू हो जाएगी, तो गरीब आदमी मर रहा है। 50% डाउनफॉल कम से कम। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं ख़त्म हुआ, 30% दुनिया में फूड सप्लाई यूक्रेन करता था और रशिया करता है फूड की सप्लाई। गेहूं सबसे ज़्यादा दुनिया में इन दो कंट्रीज़ में है। इंडिया में भी गेहूं बहुत होती है, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, हमें तो अपना स्टॉक रखना है, हम 1-2 साल का स्टॉक रख के चलते हैं।